ये मेरा रूम, ये आ गया आप क्या कहते हैं जी बरामदा, इस तरफ मोहल्ला आ गया सारा और बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त माहौल है कश्मीर का। और यहाँ पे आ गया वाशरूम, यहाँ पे एक और रूम है ये वाला, ये फ़िलहाल स्टोर बना हुआ है। तो ये है जी वाशरूम जिसका हमने काम कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। ये जो है वो हमारा डड्डू खड़ा हुआ है, डड्डू मैंने ड्राइव किया और गांव में फर्स्ट टाइम मैंने ड्राइव किया, इतना मुश्किल नहीं है ड्राइविंग, मतलब गांव में इजी है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा जो है वो कम्प्लीट हो गया। और हम जो है सारे कज़न जो है ना, जितने भी कज़न हैं हम सब जो हैं वो हर फन मूल हैं, सारे कज़न जितने भी हैं माशाल्लाह हर काम कर लेते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल क्या सिविल का क्या मतलब ए टू जेड, सारे हर काम में खुरच करना हमारा जो है ना वो एक जिससे नहीं ये चीज़ पाई जाती है, हमारे खून में शामिल है कि हम हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। और रजी भाई भी आए हुए थे जिन जो अभी वीडियो बना रहे हैं, इनको हमने तंग किया और अभी काम चीज़ें कंप्लीट हो गया तो हम ये जो औजार वगैरह हैं ये धो रहे थे। मेरी जो सर हालत है ना इसको आपने इग्नोर करना है, इसकी वजह क्या है क्योंकि बहुत गर्मी है। ये अल्लाह की तरफ से हमें जो है वो पानी प्रोवाइड किया गया है, ये किसी ज़माने में ना इतना पानी इसमें से निकलता था, अभी इतना, लेकिन फिर भी ये देखें ज़बरदस्त है। क्यों रजी भाई पानी ज़्यादा होता था ना यहाँ से, कुदरती पानी है, पता नहीं कहाँ से आता है लेकिन फुल कुदरती सही है। यहाँ पर बेलचा दो रहे हैं, ऐसा कहा जिसके जिस कैमरे से मेरी वीडियो बन रही है ना वो तो रजी भाई का मोबाइल है और फुल वाइड एंगल जो है ना इसका है। चीज़ें वगैरह हमने धो ली हैं, अभी हमने जो है ना कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, मुँह हाथ धोना है, खुद को धोना है, बल्कि मैं पाँव भी धो देता हूँ। गाँव का मौसम बहुत मज़े का है, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता मुझे, इंशाल्लाह कोई ऐसा सिस्टम करके आएंगे कि गांव से वापस दोबारा जाना ना पड़े। अभी मैं रजी भाई से डिस्कशन कर रहा था कि रजी भाई क्या क्या कुछ करना है, तो कल फॉग जो है वो मुजफ्फरबाद से आएगा गांव, तो हमारा जो गांव है मुजफ्फरबाद से देखने कितने मिनट लग जाते हैं, आधा घंटा लगता है क्या, कितने किलोमीटर है सुना है आपने, 10-12 किलोमीटर है। और मुजफ्फरबाद से हमारा ये गांव, और गांव देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत है। रजी भाई के पीछे मैं लगा हुआ हूँ, ये मोबाइल मुझे दे दें और इसमें वाइड एंगल लेंस है और इससे मैं व्लॉग्स वगैरह बना सकता हूँ, लेकिन रजी भाई मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह सपोर्ट करते रहें, आप लोगों की सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। हाँ जी, अभी हम जो हैं वो सोए हुए उठे हैं और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, घोड़े भेज गए। ये है हसीब और इसको इसको भी लगी थी, मुझे भी लगी है यहाँ पे, और ये बड़े वो क्या कहते हैं जी करते हुए थोड़े मारते हुए छेनियाँ थोड़ा, तो जब वो थोड़ा स्लिप होता था तो सीप को भी लगा, मुझे भी अभी बड़ा दर्द है दोनों के हाथ में, मार मार के बेलचे और बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई है, बहुत ज़्यादा पूरे जिस्म में दर्द है। गलती एक हुई है हमसे, बोलती ही हुई है कि ये वाइट, इतना वाइट एंगल तो नहीं है जितना तुमने मोबाइल वहाँ पे रखा हुआ है, मैं जानता हूँ इसको, हाँ यूँ आता है इस ये तो यानी यूँ ये, अच्छा ठीक है तो छोड़ दो मैं छोड़ दो बहुत ज़्यादा आज थकावट हुई है, बहुत ज़्यादा इस तरफ मैं सोया हूँ रात को, इस तरफ सोया मैं इसी तरफ से वापस उठा, ये हाल था मेरा, कान में मेरे अभी भी दर्द हो रहा है, एक तरफ सोस हो गया ना। व्लॉग में डायरेक्शन चेंज करना इसलिए ज़रूरी है कि व्लॉग बोरिंग ना लगे, बोरिंग समझ रहे हो, इसलिए मैंने एक जगह पे रख के बात करते रहो ना तो व्लॉग बोरिंग हो जाता है। हाँ जी, तो अभी हम जो हैं वो जागे हैं और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, थकावट क्यों हुई थी क्योंकि
कल पूरा दिन काम करते रहे और कल पूरा दिन हम जो है व्लॉग नहीं बना सके, उसके लिए हम आपसे जो है वो माजरा चाहते हैं। मैं आपको दिखा नहीं सका ना मैं कर क्या रहा था, हम काम क्या कर रहे थे। ये अफाक है और ये चश्मे पे देखें, हाँ हाँ हाँ। अच्छा अफाक, ये चश्मा कितना पुराना है आप प्लीज़ पहले ये बताओ। ये 1934 का निकला हुआ है, 1934 में हमारे बुजुर्गों ने निकाला था। हाँ निकाला था बुजुर्गों ने, झूठ बोल रहा है। पता नहीं कब का पुराना है, इससे भी नहीं पता। लेकिन ये छत कब पड़ी है, ये छत की डेट कहीं लिखी हुई है? चलो आप डेट बताओ जी, कम अज़ कम ये तो पता चले ना छत झूठ नहीं बोलेगी ना, अगर अफाक झूठ बोल भी रहा है तो। कल पूरा दिन जो है ना हम काम करते रहे और बहुत ज़्यादा ये वो थकावट हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है कश्मीरी बॉय? मोबाइल को मैंने ऊपर लगाया, वो कैसे हो? किसने लगा के? आप कैसे हो? आप ठीक हो? मुझे ये पानी आता 2006 में, फाग भाई कह रहे हैं छत 2006 में बनी है चश्मा, उससे भी पहले क्या है, पहले बगैर छत के चश्मा होता था यहाँ पे। हाँ चश्मे की बुनियाद इनको दिखा रहा था ना, वही दिखा रहा था। वहाँ से चश्मा मतलब आता है पीछे पहाड़ से निकलता है, यहाँ से फिर यहाँ से इन्होंने बड़ी अच्छी तरतीब देकर यहाँ जो है वो एक मामलात बनाए हुए हैं, यहाँ पे सारे फ़ायदा हासिल करते हैं। पानी इतना ठंडा है, क्या कह रहे हैं चश्मे का पानी कितना ठंडा है? इतना ठंडा है आप मसाला स्किन के आधा घंटा बैठोगे आप कुल्फी बन जाओगे, कुल्फी बन जाएंगे। और सर्दियों में आप इधर आके सुकून नहा के जा सकते हो जितनी मर्जी ठंडा हो। वाह वाह, सर्दियों में ये गर्म हो जाता है पानी। वाह वाह ज़बरदस्त, लोग इतना गर्म होता है लोग। अच्छा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा होता है शाम के टाइम, आप यहाँ पे कंबल रज़ाइयाँ रख के सोते हो उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी दरवाज़ा लग चुका है और बात रेडी हो गया, सिर्फ प्लस्तर रहता है वॉशरूम का। इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो थक चुका हूँ मैं, बहुत ज़्यादा काम कर करके।